हेलो भाई एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ रेडमी के एक न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में, जिसका नाम है रेडमी का K20। ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर फ़ोन है क्योंकि रेडमी ने अनाउंसमेंट कर दिया है चाइना में रेडमी का K20 और K20 Pro। दोनों ही बहुत ही अच्छे मोबाइल है, अपने प्राइस सेगमेंट में बहुत ही अच्छे दमदार मोबाइल साबित हुए हैं। इनमें प्रोसेसर और इनकी बहुत ही अच्छी पॉपअप सेल्फी कैमरा भी बहुत ही अच्छा निकला है। ये इंडिया में अब कुछ ही दिनों में आने वाले हैं, बताया जा रहा है कि ये कुछ ही दिनों में इंडिया में भी लॉन्च हो जाएंगे इसी प्राइस सेगमेंट में। तो इसकी प्राइजिंग जो होने वाली है ये बहुत ही अग्रेसिव होने वाली है और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी मानी जा रही है। तो इसी के बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं इस वीडियो में। सभी स्पेसिफिकेशन इसकी बताने वाला हूँ और इसका मतलब जो कि डिजाइन है और इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में भी बात करने वाला हूँ। सो वीडियो बिल्कुल एंड तक कंप्लीट देखते रहिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मैं कोई वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। So guys, इसकी बात कर लेते हैं हम डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी से कि इस पर आपको डिजाइन कैसी मिलने वाली है डिस्प्ले पर और इसकी बैक साइड पर बिल्ड क्वालिटी कैसी देखने को मिलने वाली है। जो डिस्प्ले आपको मिलने वाली है वो 6.39 इंच की एक फुल HD वाली सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है। इस बार MI की तरफ से रेडमी की तरफ से आपको सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगी, जो कि आपको बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो होती है उसके कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो तो आप जानते ही होंगे। और इस पर आपको कोई भी नॉच देखने को नहीं मिलने वाला है। इस पर आपको जो सेल्फी कैमरा मिलेगा वो पॉपअप सेल्फी कैमरा देखने को मिलने वाला है। बहुत ही कम बेजल्स होने वाले हैं इस स्क्रीन पर, मतलब फुल व्यू स्क्रीन होने वाली है, तो बहुत ही अच्छी बात है। इस पर चिन जो है इसकी स्क्रीन के बेजल्स ये बहुत ही ज़्यादा कम होने वाले हैं, मतलब जो कि डिस्प्ले होने वाली वो फुल व्यू डिस्प्ले होने वाली है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। अब बात कर लें इसके बैक डिज़ाइन की, तो बैक डिज़ाइन पर आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा और ये बहुत ही ज़्यादा ग्लास फिनिश के साथ में आने वाला है, मतलब ग्लास बॉडी भी इस पर होगी और गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन पीछे भी होगा, मतलब रियल साइड पर भी होगा और फ्रंट साइड पर भी होने वाला है। और हम बात कर लें इसकी जो फिंगरप्रिंट है वो आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसके कैमरा डिपार्टमेंट की, तो कैमरा आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा रियल साइड पर, जो कि पहला होगा वो 48 मेगापिक्सल का होने वाला है सोनी के लेंस के साथ में आने वाला है, और जो दूसरा होगा वो 13 मेगापिक्सल का होने वाला है, और जो तीसरा आने वाला है वो 8 मेगापिक्सल का होने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि कैमरा इस पर आपको बहुत ही ज़्यादा दमदार देखने को मिलने वाले हैं। जो कि आपको फ्रंट साइड पर कैमरा देखने को मिलेगा वो 20 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है कि इतना ज़्यादा मेगापिक्सल का आपको MI की तरफ से देखने को मिल रहा है इस बार कैमरा, तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा मोबाइल ये होने वाला है। आप बात कर लें इसके प्रोसेसिंग पावर की, तो प्रोसेसर भी इस पर बहुत ही अच्छा यूज किया गया है, जो कि कॉलकॉम का स्नैपड्रैगन का 730 वाला प्रोसेसर इस पर जो लेटेस्ट 8 नैनोमीटर के में बना है, मतलब ये बहुत ही अच्छा चिपसेट है और बहुत ही ज़्यादा दमदार है, मतलब इस पर आप जितने भी गेम मल्टीटास्किंग या फिर गेम करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, कोई भी आपको दिक्कत करने सामना नहीं करने को मिलेगा। सो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर होने वाला है, इसका मतलब जो आप गेमिंग खेलते हैं उसमें आपको कोई भी वो देखने को नहीं मिलेगा लैग वैग, तो बहुत ही अच्छा प्रोसेसर होने वाला है। आप बात कर लें इसकी बैटरी डिपार्टमेंट की, तो बैटरी इस पर आपको 4000 mAh की देखने को मिलने वाली है, जो एक फास्ट चार्जर को सपोर्ट करने वाली है। इस पर आपको 27 वाट का फास्ट चार्जर सपोर्ट देखने को मिलेगा, ये नहीं अभी बताया गया कि इस पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स 27 वाट का फास्ट चार्जर मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो ये जब आने के बाद ही आपको मालूम चल जाएगा कि इस पर आपको 27 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलने वाला है, ये तो कंफर्म हो चुका है। और ये USB-C पोर्ट के साथ में आने वाला है और इस पर आपको 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि फ्लैगशिप फ़ोन में ये आपको जैक देखने को बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलता है। अब बात कर लें इसकी लॉन्च डेट और रैम वेरिएंट और इसकी प्राइजिंग के बारे में, तो ये जो रैम वेरिएंट के साथ में लॉन्च होने वाला है ये अभी बताया जा रहा है कि इस पर सिंगल रैम वेरिएंट देखने को मिलेगा 6 GB और 128 GB, और ये लॉन्च होने वाला है जो कि बताया जा रहा है 15 जून के आसपास ये देखने को आपको मिल जाएगा इंडिया में, और इसकी जो प्राइजिंग होने वाली है वो अंडर 20,000 के नीचे ही होने वाली, मतलब 20,000 तक
होने वाली है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि 20,000 की प्राइसिंग में अभी सैमसंग लॉन्च कर रहा है सैमसंग गैलेक्सी M40 और ये बहुत ही ज़्यादा कड़ी टक्कर दे पाएगा M40 को। तो ये गाइस बहुत ही अच्छा मोबाइल होने वाला है, अगर आप मोबाइल लेने की सोच रहे हैं तो कुछ दिन वेट कर लीजिए और 20,000 तक में बहुत ही अच्छे ये मोबाइल आपको देखने को मिल जाएगा। सो गाइस वीडियो में कुछ इतने बताना था, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, प्लीज चैनल पर नहीं आते तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे जाना क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। We'll be right back.